जो हमारे पंडित भाई हमसे जुदा हो गए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस धरती पर उनको वापस लाएंगे। आई लव यू हमारा कश्मीर, आई लव यू हमारा कश्मीर, आई लव यू हमारा कश्मीर। जम्मू से हैं और हम 2005 के बाद यहाँ पे पहली बार आए हैं। 2005 के बाद अब यहाँ पे आए हैं दर्शन के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत रश है, मतलब माता रानी के दर्शन हुए सबसे बड़ी वही बात है, क्योंकि हमें काफ़ी मतलब मन था, हमने अपनी फैमिली को बोला था कि हमें यहाँ पे आना है। और यहाँ पे इंतज़ाम भी बहुत अच्छे हैं, मतलब लोग भी बहुत अच्छे हैं और हमें जगह भी अच्छी मिली है, टेंट मिले हैं यहाँ पर, वॉशरूम भी बहुत अच्छे हैं, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, खाना टाइम पर है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से मिला। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आइए यहाँ पर देखिए, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। हर साल हम यही चाहते हैं कि हम आएँ, और यहाँ पे सारे कश्मीरी पंडित्स भी आप देखते हैं अलग अलग जगह से आए हों, ये नहीं कि कश्मीरी ही आए हुए हैं, हर एक मतलब बाहर के टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमें बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ, बेसिकली कश्मीरी हूँ, और आज के दिन हम यहाँ पर जो माता का जन्मदिन मनाया जाता है तुलमुल में,
ये ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है। तो आप तो यहाँ देख ही रहे हैं पब्लिक कितनी हर्षोल्लास से यहाँ पे आई हुई है और इस दिन का बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। जी मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, एवरी ईयर यहाँ पे मैं देखती हूँ, बट इतनी भीड़ मैंने 2017 या 15 के बाद अब देखी है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है कि अमन और शांति जो है यहाँ पे कायम होने जा रही है। देखिए एक क्लियर कट मैसेज है कि जो यहाँ की पब्लिक है और यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और हम लोग भी विदाउट फेयर जो हैं यहाँ पे आए हैं और आते रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी आएंगी। जी देखिए हमारे यहाँ पे जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो कल्चरल हमारा हेरिटेज है या कल्चरल हमारी बैकग्राउंड्स हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी जो है कश्मीर की नंबर वन है, तो उसका उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता कि हम लोग कितना क्या करते हैं या हमारे लिए लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। देखिए इस बार अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी, मतलब सोचा ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ जो है ये भीड़ उमड़ेगी। तो मैं तो होप करती हूँ कि ये जो इतनी भीड़ है इसे डबल अगले साल हो और हम हर्षोल्लास से ये त्यौहार जो है मनाएं। भव्य आयोजन। सो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है ये सब देख के, और यहाँ पे बहुत सारे आदमी आते हैं, बहुत भीड़ होती है इधर पे, और यहाँ का माहौल चीज़ें वगैरह बहुत अच्छा है। मंदिर में जब अंदर गए हम वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था मेरे को। और मेरी पूरी फैमिली आई है मेरे साथ, मेरी मम्मी पापा भाई बहन ऑल मेरे कजिन्स भी आए हैं साथ साथ। सो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इधर पे आके। अच्छा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा है, यानी कि मंदिर अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, सारा कुछ बहुत सारा अच्छा है, जाओगे तो तुम्हें बहुत भीड़ मिलेगी। यहाँ पे ये सेवा माता खीर भवानी की सेवा चल रही है, यहाँ पे फ्री आज फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ताकि जिन्होंने फास्ट रखा हुआ है, जिन्होंने कुछ रखा है वो फ्रूट्स का सेवन ले सके और हमारी सेवा लग सके। इस पे हम लोग माता खीर भवानी के कैलेंडर दे रहे हैं और फ्रूट्स दे रहे हैं। क्या लग रहा है? देखो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों से कोविड था लेकिन उसके दौरान भी हम लोग यहाँ आना हमने बंद नहीं किया, हम लगातार आते रहे। इस बार भी आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में सब लोग आए हैं और आप देख सकते हैं हर एक रिलीजन के लोग यहाँ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक साथ मिलके अच्छे से ये दिन मनाते हैं और हर साल मनाते रहेंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे बहुत ही खुशी हुई आज, चाहे मुसलमानों ने, पंडितों ने, सिखों ने आज मिलजुल कर इस खीर भवानी का दिन मनाया है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगेंगे, जो सदियों से हमारा भाईचारा है अल्लाह ताला ये कायम रहना चाहे, इस भाईचारे को जो जसरा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इस पर काम करेंगे, उस इस धरती पर रहने की जगह नहीं है जो इस पर जख पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा जो सदियों से हमारा भाईचारा है ये कायम रहना चाहे, चाहे पंडित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर काम करना है, देश रोहियों को भगाना है। मैं जो यहाँ के डीसी साहिबान हैं या एसएसपी साहिबान हैं, मैं इनको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी होगी, आज अच्छा इंतज़ाम उन्होंने रखा है, मैं दिल की उम्मीद गहराई से उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। कश्मीरी ने बहुत ही सदियों से हमारा मेहमान नवाजी करते आए, करते रहेंगे कयामत दिन तक, जो मेहमान नवाजी है कश्मीरी लोग कयामत दिन तक ये करते रहेंगे और इस पर कोई काम नहीं करेंगे। मैं पंडित भाइयों से इतना बताऊंगा कि इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे, इंशाल्लाह हमारा कोशिश यही रहेगा, जो हमारे पंडित भाई हमसे जुदा हो गए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस धरती पर उनको वापस लाएंगे। आई लव यू हमारा कश्मीर, आई लव यू हमारा कश्मीर, आई लव यू हमारा कश्मीर। आज यहाँ पे माता खीर भवानी का मेला चल रहा है, तो हम पिछले साल भी यहाँ पे हुआ था तो ज़्यादा अकीदतमंद यहाँ पे नहीं आ पाए, तो इस साल काफ़ी लोग आए हैं बाहर से और हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी कश्मीरी पंडित अभी बाहर की स्टेट्स में रह रहे हैं वो भी आए, तो उस वजह से और भी ज़्यादा खुशी हुई। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा ऐसे जैसे पहले मिलजुल कर रहते थे, तो कुछ हालात ख़राब होने की वजह से अब यहाँ पर नहीं रहते, तो हम मतलब ना गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि जो जितने भी हमारे कश्मीरी भाई बहन बाहर के स्टेट्स में रह रहे हैं उनको वापस लाए,
ताकि हम पहले की तरह एक इकट्ठे रहे, अच्छे से रहे और ये भाईचारा हमेशा कायम रहे। थैंक यू। आज आपने यहाँ पे ये मेला जो देखा, तो इसमें आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारे कश्मीरी पंडित, इसके अलावा भी यहाँ पे सिख बरादरी के लोग भी आए और मुस्लिम भी यहाँ पे, खासकर यहाँ पे जो तुलमुला के लोग हैं वो यहाँ पे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ तुलमुला के नहीं, पूरे कश्मीर से जो यहाँ पे भी कश्मीरी पंडित है वो यहाँ पे आके इस मेले में शिरकत कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि हम इनका वेट कर रहे थे, उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे, लेकिन अब बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे इतने सारे लोग आ गए। जय माता की। आज यहाँ पर अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसमें अभी तक करीबन 20 से 25,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैं और मैं सभी लोगों को इस पावन पर्व की बधाइयाँ देता हूँ। इसके अंदर जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा कई सारे इंतजाम किए गए हैं, जिसमें उनके अरेंजमेंट देखने की चीज़ें, इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखा है। और इसके अलावा मैं लोगों को भी ये बधाई देना चाहता हूँ, और अपने आप में बहुत अनोखा त्यौहार है यहाँ पर कि सभी समुदाय के लोग इकट्ठे आकर एक पूरा कश्मीर वैली के अंदर त्यौहार को।